ये स्टार्ट है यहाँ से, कॉक किया जाएगा यहाँ से, कॉक किया जाएगा। कॉक करने के बाद सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी, मैगजीन को लोड कर दिया, कॉक किया जाएगा, फिर फायर किया जाएगा इसको सेव से। अभी अब अनलॉक ये फायर, इसकी रेंज कितनी होगी? 100 मीटर। ये वाला कौन सा? कितने राउंड फायर है? नॉर्मल फायर है इससे 11 राउंड और साइक्लिक रेट ऑफ फायर 5000 राउंड पर मिनट। ये नजदीक है, इसका नाम ही एंशिएंट राइफल, इंसास राइफल। स्टार्ट कैसे होती है, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं शॉर्ट? हाँ, पहले क्या करना है? सबसे पहले तो इसमें मैगजीन चढ़ाया। कितने राउंड की होती है? 20 राउंड। अभी शेप पे सेम से आर पे की, उसके बाद इसको कॉक करते हैं। कॉक करने के बाद आर पे रखेंगे, सिंगल सिंगल फायर करेंगे। हमने इसको बीच पे कर लिया तो 3-3 राउंड का बूस्ट देगी, 3-1 राउंड एक साथ, फिर रुकेगी, उतरे के दौरान 3-1 साथ 3-1 साथ 1 साथ। इस पर सिंगल होगी, सिंगल करके रुक जाएगी, फिर दबाना पड़ेगा। इसलिए 400 मीटर देगी। इसकी जो मजल वेले शिक्की होती है राउंड, मजल से निकलने के बाद टारगेट तक 900 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पहुंच जाता है। 900 मीटर एक सेकंड में इसका राउंड दूरी तय करता है। अगली बार आईपीस जो है इससे विजिबिलिटी कितनी होती है? 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना बढ़ जाती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपने देख लिया राइफल है, ये 5.56 का, ये उससे बड़ा वर्जन है लाइट मशीन गन, इससे ज़्यादा फायर पावर है, इससे ज़्यादा वेट है इसका, है ना। ये अपनी जगह से 700 मीटर तक, 700 मीटर 100 मीटर तक, हाँ ये 700 मीटर है, 700 पर ख़त्म कर देती है आपने। इसमें 20 राउंड भरे जाते हैं, इसमें 30 राउंड भरे जाते हैं, उसमें 3 राउंड ब्रस्ट है, इसमें अपन कंटिन्यू एक बार ट्रिगर दबा के सारी गोलियां कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक आप छोड़ेंगे कंटिन्यू बार बार। इसकी आईपीएस की रेंज कितनी है, कितना आप इसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं? सेम है, सेम 4 टाइम्स। हां 4 टाइम्स। इसके बारे में कुछ सबसे अलग है वो स्टार्टिंग? हाँ बिल्कुल अलग है भैया, इसको बोलते हैं मल्टी शॉट गन लॉन्चर, ठीक है। मल्टी का मतलब कई तरह से काम करता है। इसका रेंज है 375 मीटर का, ठीक। 1 मिनट में 18 ग्रेनेड हम फायर कर देते हैं, मतलब ग्रेनेड फायर करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, पहले ही ग्रेनेड भर लिया जाता है, जिस तरह का हमें ग्रेनेड यूज करना होता है ना, उसी तरह का ग्रेनेड इसमें यूज कर लिया जाता है। इसमें 4 प्रकार का रहता है, और समोक होता है। तो ये खिड़की दरवाजा तोड़ना हो और फिर ये जा टकरा के वहाँ ब्लास्ट होता है, तो 5-10 बंदे भी वहाँ हैं, तो पूरे 5 मिनट के अंदर किलिंग है काम। ये जो इस पे ये दिया हुआ है, ये इसका रेंज है, जैसे मान लो यानी 25 से 50 है, 100 है, मतलब ये 25 मीटर का भी आप इसमें सुविधा दी गई है, अगर रेंज लगाना चाहते हो ना इसमें, ठीक है। ये तो सीधे में जाती है, एलिवेट हो गया। हाँ, इसमें रेंज लगाने की सुविधा दी गई, आप रेंज लगाते चलो, जितना रेंज चाहिए आपको उस रेंज के ऊपर जाओ और आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी रेंज कितनी है? 375। आप वीडियो कर रहे हो ना, विजिबिलिटी के लिए भी है ना? विजिबिलिटी नहीं, ये सिर्फ एक देखने के लिए, सीधा ही लेने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। थैंक यू। सर ये स्टार्ट कैसे होती है पहले, और कितने लोड, कितने बुलेट फायर होते हैं? 10 होते हैं। और इसकी रेंज कितनी है टोटल? इसकी रेंज 1300 मीटर। ये आईपीस कितनी दूर तक? इसी से 1300 मीटर। अच्छा, इसी से 1300 मीटर तक देख सकते हैं, उससे आगे ये देख सकते हैं, लेकिन बट क्या नाम, जो टारगेट किल करते हैं 1300 मीटर तक किल कर सकते हैं। जो इनके साथ रहते हैं वो क्या करते हैं? देखो वो दोनों के पास सेम एक शूट करते हैं, एक शूट करता है, दूसरा क्या होता है, सपोर्टर होता है, यानी उसको ना सपोर्ट करने वाले, है ना, सपोर्टर बोलते हैं उसको, सपोर्टर बोलते हैं। तो विंड वगैरह वो सब काम उन्हीं का होता है ना, सेकंड वाले का, पूरा सपोर्टर का होता है, निशाना लगाता है, दूसरा बाकी टारगेट वगैरह का, टारगेट को बताता है वो, टारगेट किस तरफ है। सर स्टार्टिंग से बता दीजिए, आप इसको रिकॉर्ड मत करिए, क्या करेंगे रिकॉर्ड करके, आप कान में सुनिए सीधा। तो मिला के ये है कि ये एंटी टैंक वेपन है, ठीक है 1200 मीटर दूर मार देता है ये, 500 मीटर 1200 मीटर 1200 मीटर
आगे से गोला और पीछे से आप देखते कैसे हैं? देखने के लिए ये लगा हुआ है ना। अच्छा, इससे एक किलोमीटर दूर तक आराम से चेक करिए उठा के। कहाँ से आए आप? सर मैं यूपी से। थोड़ा देर और देखो। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ से ले जाओ यार, इसको ले जाओ। सर सर इसके बारे में थोड़ा। इसके बारे में लखनऊ। हाँ लखनऊ बॉर्डर मूवी में इसी का तो फोकस था। सुनील शेट्टी सबसे पहले यही कहते हैं सामान को। और सबसे ज्यादा सिक्योर जगह पे रखा जाता है इसको, जहाँ टैंक वगैरह का इफेक्ट ना पड़े। ये किस लिए दिया सर? ये किस लिए दिया? अच्छा अच्छा ठीक है, बस इसकी कर खत्म।